सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ पांच चंदन के पेड़ की कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में एक ऐसी लड़की के बारे में वर्णन किया गया है जो अंधी होते हुए भी अपने वृक्ष को कटने नहीं देती। आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में चंदन के बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई होती है, लोग अनाधून पौधों की कटाई किए जाते हैं, उसमें भी चंदन का वृक्ष। इसमें जहां एक और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता तो है ही, साथ में मनुष्य को काफी क्षति पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इसे रोकने के लिए सभी प्रयास करते हैं और सभी का ये कर्तव्य भी है। पेड़ों की अनाधून कटाई से हमारे चारों ओर पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। हमारे आसपास जितने भी वृक्ष हैं वो कटते जा रहे हैं और वो सारे वृक्ष को काटकर सभी लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। एक छोटी सी लड़की अपनी माता पिता के साथ पूर्वी घाट के करीमुनाई गाँव के निकट रहती थी। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती थी। मैं उन दोनों की मदद करती थी। मतलब जो छोटी सी लड़की है वह कहती है कि अपनी माँ और पिता दोनों की मदद करती थी और गांव के स्कूल में वो पढ़ने भी जाती थी। गुगु कुत्ता मेरा साथी था। जैसे कि आप सभी अपने घर में कोई बिल्ली पालता है, कोई छोटा सा पपी पालता है, कोई कुत्ता पालता है, तो वैसे ही उसने एक छोटा सा कुत्ते को पाला था जिसका नाम उसने पपी गुगु रखा था। तो वो अपने पास एक गुगु रखती है जिसका नाम वो अपने पास एक कुत्ते को रखती है जिसका नाम गुगु है। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, नीचे उतरना चढ़ना, मतलब जो लड़की है उसे। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई, जो लड़की है इस कहानी में वो कहती है कि जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन मेरे साथ अकस्मात एक घटना घट गई और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसे लगता है कि वो अपनी माँ को आवाज दे, लेकिन वो अपनी माँ को आवाज नहीं देती है। अचानक भूस्खलन होता है और वो मलबे में दब जाती है और अचानक से उसकी आंखों में, जब वो गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आंखों में कोई नुकीला चीज आकर लग जाता है जिसकी वजह से वो अंधी हो जाती है। किसी प्रकार से वो अपना जीवन काटती है। वो जैसे कि कहती है, अम्मा तुम कहाँ हो, मैंने पुकारा। लड़की अपनी माँ को पुकारती है लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिलती है। लुढ़कते फिसलते पत्थरों के शोर से मेरी आवाज दब गई। ऐसा लगता है उसे कि वो अपनी माँ को आवाज दे रही है लेकिन वो नहीं दे पाती है। और अचानक क्या होता है कि उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ वह मुझे पता नहीं। बच्ची कहती है कि जब उसकी आंखों में चोट लगी तो उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कोई पता नहीं। गुगु जो उसका पपी है वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ता है। राव गुरु के घर में, राव गुरु जो है, उसके बाद क्या हुआ वो बच्ची को नहीं पता चलता है। कि जब उसकी होश आई तो वह बताती है अपने गुरु को, राव गुरु को, कि उसे चोट कैसे लगी। और उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चल पाता। डगमगाहट में मैं गिर पड़ी। वो सारी घटना के बारे में अपने राव गुरु को बताती है। तो राव गुरु जो है वो उसे प्यार से सहलाते हैं और उसको प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं। राव गुरु गांव के स्कूल में प्रधानाचार्य थे। वह ये चाहते थे कि लड़की जो इस कहानी की पात्रा है उसे चाहते हैं कि वो आंख खोने के बाद भी पढ़ाई करे, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो पढ़ाई करे। फिर भी धीरे धीरे वो इस चीज की आदि हो जाती है। तो वो जंगलों में जाती है अपने गुरु के साथ और पेड़ों पर, जंगलों में जाती है अपने गुगु यानी अपने मित्र पपी के साथ और वो घूमती है फिरती है। अचानक एक दिन क्या होता है वो जाती है तो देखती है कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठती थी
वहाँ पर एक पक्षी बोलता था, लेकिन आज उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, किसी प्रकार की कोई आहट नहीं। और जिस पेड़ के सहारे वो बैठती थी, वो देख रही कि वहाँ वो पेड़ भी नहीं है, तो वो सोच में पड़ जाती है और जाके अपने घर के लोगों को बताती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल में लकड़ियों को काटा जा रहा है, चंदन के पेड़ को काटा जा रहा है। तो उसके घर के जो लोग हैं वो उसकी बातों को नहीं मानते, तो वो कहती है सच ठीक है। तो फिर वो दूसरे दिन जाती है अपने पपी के साथ, अपने घुघू मित्र के साथ, और जब वहाँ जाती है तो वो छुप कर बैठ जाती है और उसका अथक प्रयास उसे यहाँ तक ले आता है कि वो उसे पता चल जाता है कि वाकई में पौधों की कटाई, पेड़ों की, वृक्षों की कटाई हो रही है, जिसे बेचकर कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं और अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इस प्रकार जब उसने अपने मामा को बताया कि ऐसी घटना हो रही है, तब उसने इस घटना को बालिका ने अपने मामा से बताया, लेकिन उसके बात का कोई विश्वास नहीं करता है। तब उसने इस बात को मुदालियर को बताया कि आप जाकर जांच कीजिए, जंगलों में चंदन के वृक्षों की कटाई हो रही है। तो फिर जांच पड़ताल होती है और अंत में जो व्यक्ति होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो चोरी छुपके चंदन के वृक्षों को काट कर बेचते हैं, और सरकार के द्वारा इस बालिका को और अंत में सरकार के द्वारा उसे इनाम दिया जाता है कि उसने जंगलों को कटने से बचाया, पेड़ पौधों को कटने से बचाया। धन्यवाद बच्चों।